दोनों मौजूद हैं। डीएम ने बाजपुर सितारगंज गदरपुर में धारा 144 फिलहाल एहतियातन लागू कर दी है। सितारगंज से पूरन सिंह रावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पूरन, क्या खबर मिल रही है? देखिए दीपक, कुछ दिन पहले पीलीभीत जनपद के कटैया क्षेत्र में एक धार्मिक ग्रंथ का स्वरूप कुछ अराजक तत्वों ने जला दिया था, जिसके बाद ही इस क्षेत्र में काफी बवाल हो रहा था। क्योंकि सितारगंज क्षेत्र से ये एकदम सटता हुआ क्षेत्र है, इसलिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में काफी आक्रोश देखा गया सिख समुदाय के लोगों में, और धीरे धीरे लोगों ने मांग की कि इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और जिसकी मांग का लगभग अल्टीमेटम समाप्त होने वाला है। उधर यूपी प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच दे दी है, मगर अब यहां पर स्थिति जरा भिन्न हो रही है, क्योंकि आज अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी के साथ जो है बदतमीजी की गई, उनके वाहन को तोड़ दिया गया और उन पर जो है हमला किया गया, उनके वाहन पर हमला किया गया। बाद में पुलिस अभिरक्षा में उन्हें सितारगंज कोतवाली ले जाया गया, जहां उन्होंने ये बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ है। तो अब ये अगर देखा जाए तो उपद्रव काफी हो रहा है, क्योंकि 6 रोडवेज की बसों को पूरी तरह से तोड़फोड़ कर दी गई और वो कई घंटों तक सितारगंज में जाम लगाया गया, किच्छा में जाम लगाया गया, पुलभट्टा में जाम लगाया गया। एसएसपी और डीएम ने क्षेत्र का जायजा लिया, स्थिति का जायजा लिया, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजपुर, सितारगंज और गदरपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। काफी संख्या में पुलिस और पीएसए के जवानों को तैनात किया गया है, मगर तनावपूर्ण स्थिति है अभी भी, और एहतियातन पुलिस ने आज कुछ अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया है, करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। मगर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।